नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीशियम पिनअप पर। इस वीडियो में बात करने वाले अपन कि अभी एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया कैलेंडर दिखाया गया है। तो देखिए उस कैलेंडर की क्या सच्चाई है, क्या वो फर्जी है क्या या फिर सही है। वो इसमें डेट दी हुई है 28/8/2023 यानी कि आज की डेट में ये जो नोटिस है वह वायरल हो रहा है। तो इसमें कि एक परीक्षा का जो कैलेंडर आया है जिसमें अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, कृषि पर्यवेक्षक की इसमें भर्ती बताई गई है 21 फरवरी 2024 को मॉर्निंग के अंदर। तो क्या ये सही है खबर या फिर ये खबर अफवाह है, इसकी अपन बात करें तो देखते हैं कि अब पहली चीज़ देखें तो इसकी जो कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे यह नहीं दिया हुआ है यानी कि यह फर्जी है, यह जो नोटिस है वो बिल्कुल फर्जी है, इसमें एक भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। और अगर अपन बात करें जैसे कि अपन ट्वीट देखते हैं उपेंद्र यादव जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनका ट्वीट की अपन बात करें तो देखिए उन्होंने कहा है, ट्वीट लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बने हुए 10 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी नहीं हुआ और वही कई अराजक तत्व बार बार फर्जी आदेश वायरल करके युवाओं के साथ भद्दा मजाक करके मानसिक पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि तत्काल भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर वह अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी करने आने की कृपा करें। नोट आज एक बार फिर यह फर्जी आदेश वायरल किया गया है जिससे सभी युवा सावधान रहे। यानी कि यह है जो आपका नोटिस जो वायरल हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यह है एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा है ये सही नहीं है। हालांकि 1 या 2 दिन में वो जो कैलेंडर है वो जारी होने वाला है तो आप निश्चित रूप से हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा, कब जारी होगा क्या नहीं होगा आते ही आपको अपडेट मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जल्दी वीडियो आपके बीच में देखने को मिल जाएगा।